आप सबको अनुराधा का नमस्ते और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि गुलाब पर लगने वाले एफिड से हम अपने प्लांट को कैसे बचा सकते हैं और इसके बहुत ही आसान घरेलू उपाय मैं आपको बताऊंगी और 5 तरीके मैं आपको बताऊंगी इसके। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बात करते हैं। जब सर्दियों के बाद गुनगुनी धूप आती है, यानी कि जनवरी के बाद जब धूप थोड़ी तापमान थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाते हैं, तभी मौका मिल जाता है एफिड्स को, तरह तरह के कीड़ों को हमारे प्लांट पर अटैक करने का। ख़ास तौर से एफिड्स जो होते हैं वो हमारे गुलाब के प्लांट पर अटैक कर देते हैं और धीरे धीरे करके हमारे प्लांट के जो कलियाँ होती हैं उनको ढक देती हैं। ये 2 कलर्स में आप देख सकेंगे, ग्रीन कलर में और एक ब्लैक कलर में। ग्रीन कलर वाले तो बहुत ही देर में दिखते हैं, ब्लैक कलर वाला एफिड तो फिर भी हमें दिखाई दे जाता है और साथ में हो जाती हैं छोटी छोटी सी वाइट फ्लाइज। तो जब भी आप पेस्टिसाइड का यूज़ करें तो हमेशा शाम को यूज़ करें। शाम का टाइम सबसे अच्छा होता है पेस्टिसाइड यूज़ करने का और बहुत ही तेज़ी से ये असर भी करता है। या तो सुबह सुबह आप पेस्टिसाइड यूज़ करें या फिर शाम को। मैं हमेशा शाम को यूज़ करती हूँ क्योंकि एक लंबा टाइम मिल जाता है पेस्टिसाइड को काम करने का। तो ये जो कीड़े हैं वो अक्सर आपको कलियों के ऊपर, नई न्यू ग्रोथ के ऊपर दिखेंगे और जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है और जो कलियाँ हैं वो फूल में तब्दील नहीं होती हैं। तो इसका इलाज बहुत ही आसान है, हम इसका घर में ही इलाज कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि सबके पास बहुत सारे पौधे नहीं होते हैं, तो 1-2 पौधों के लिए स्पेशल जाकर आप बीज भंडार से दवाई लेकर आएं तो उससे अच्छा है कि घर में ही हम कुछ पेस्टिसाइड बना लें जो कि घर के ही सामान से बन जाती है। बहुत सारे तरीके होते हैं तो कुछ तरीके मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने अपने 5 प्लांट लिए हैं गुलाब के जिसमें अलग अलग फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए, मैं आपको बहुत ही करीब से ये एफिड्स को दिखा रही हूँ। ये ब्लैक ब्लैक कलर के इस पे कीड़े लगे हुए हैं और वाइट वाइट कलर की वाइट फ्लाइज हैं जो कि बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। और ये जो हैं रात के टाइम पर आप ज़्यादा अच्छा इस पर पेस्टिसाइड का असर होता है। तो ये जो कीड़े होते हैं ये हमारे फ्लावर को धीरे धीरे करके चूसते हैं और मतलब उसको ख़राब कर देते हैं, कलियों को ख़राब कर देते हैं। जब फ्लावर ज़्यादा टाइम तक प्लांट पे लगा रहता है तब भी ये एफिड्स जो होते हैं वो हमारे फ्लावर प्लांट पर अटैक कर देते हैं, फूलों के अंदर छुप के बैठ जाते हैं। तो अच्छा यही है कि इसका हम कुछ उपाय कर लें तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे प्लांट पर से हट जाएगी और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम इस पर करेंगे नीम ऑयल का स्प्रे। जो नीम ऑयल पेस्टिसाइड बनाने के लिए हमें चाहिए नीम ऑयल। नीम ऑयल आपको केमिस्ट की दुकान से मिल जाएगा, नहीं तो आयुर्वेदिक की शॉप से मिल जाएगा। यहाँ पर 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच आप डाल दीजिए नीम ऑयल। और नीम ऑयल को पानी में मिक्स करने के लिए यहाँ पर मैं डिश वॉशर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको हैंड वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर डिश वॉशर डाला है और अच्छे से शेक कर लिया। शेक करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नीम ऑयल जो है अभी मिक्स अच्छे से नहीं हुआ है, तो मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच डिश वॉशर और ऐड कर दूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद अच्छे से आप शेक कीजिए। शेक करने के बाद अपने ये स्प्रे गन आपको मिल जाएगी, ये 25 रुपये तक की आती है। तो इसको अच्छे से अपने प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए और कलियों के ऊपर ख़ास तौर से, क्योंकि एफिड्स जो हैं कलियों पर ही चिपके रहते हैं। तो और ये देखिए, एक मैंने चिट लगा रही हूँ नीम ऑयल और हैंड वॉश। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आप चाहें तो हैंड वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। तो सर्फ़ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, सर्फ बहुत ही हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अब मैं अपने एक दूसरे प्लांट के ऊपर वाइट सिरका, जो कि आपको परचून की दुकान पे मिल जाएगा, और इसको आप अपने प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर 2 चम्मच के करीब आप सिरका ऐड कीजिए, वाइट सिरका, और
अच्छे रिजल्ट अगर आप चाहते हैं और अच्छे रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर साबुन हैंड वॉश यूज़ कर सकते हैं या डिश वॉशर आधा चम्मच मिक्स कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ सिरके ही यूज़ कर रही हूँ। और आप इसको इसका स्प्रे आप कर सकते हैं अपने प्लांट पर, अच्छे से आप इसका स्प्रे कर दीजिए। चीज़ है राख, लकड़ी की राख, ये बहुत आसानी से आपको प्रेस वाले भैया से मिल जाएगी, नहीं तो अगर आपके आसपास कोई लकड़ी जलाते हैं तो उसकी आप राख लेकर आ सकते हैं और उस राख को अपने प्लांट पर भुरक दीजिए। सबसे पहले प्लांट को आप स्प्रे से धो दीजिए पानी से और उसके बाद ये भुरक दीजिए। सादा पानी है इससे मैंने स्प्रे कर दिया है ताकि राख जो है चिपकी रहे, हवा चलने से राख उड़े नहीं और चिपकी रहेगी तो इसके रिजल्ट अच्छे रहेंगे। तो इस तरह से आप राख को भुरक सकते हैं। ये देखिए, और ये भी बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड है, इस पे भी मैंने एक चिट लगा दी है वुड ऐश के। और इस तरह से ये आपको तीन पेस्टिसाइड मैंने आपको बताया। चौथा तरीका बहुत ही आसान है, आप आधा लीटर पानी ले लीजिए और उसके अंदर डिटोल हैंड वॉश अगर आपके पास है तो आप आधा चम्मच डिटोल हैंड वॉश डाल दीजिए, नहीं तो आपके पास जो भी हैंड वॉश है वो डाल दीजिए। इसकी जगह डिश वॉशर भी आप यूज़ कर सकते हैं आधा चम्मच, और उसे अच्छे से शेक कीजिए और अपने प्लांट के ऊपर अच्छे से इसका स्प्रे कर दीजिए। और स्प्रे आपको बहुत ही अच्छे से करना है प्लांट के ऊपर। और अब हम 3 दिन बाद इसका रिजल्ट देखेंगे। 3 दिन तक हम इस पर कोई स्प्रे नहीं करेंगे, इसके ऊपर पानी नहीं डालेंगे। आपको पानी डालना है तो इसकी जड़ में मिट्टी में डालेंगे। दिन है, सुबह का टाइम है और 3 दिन तक, 2 दिन मैंने इनके ऊपर पानी नहीं डाला था और आज 3रे दिन का रिजल्ट ये है कि आप देखें कि इस पर एफिड्स जो हैं लगभग ख़त्म हो गए हैं। और इस पर हैंड वॉश का स्प्रे किया था मैंने और कुछ वाइट फ्लाइज लगी रह गई हैं इस पर, क्योंकि वो जब हम स्प्रे करते हैं वो दूसरे प्लांट पे जाके चली जाती हैं, फिर वापस आ जाती हैं। और ये वाला प्लांट जो है वुड ऐश किया था, इस पर हमने लकड़ी की राख का इस पे बुरकी थी, तो वो देखिए इसका भी रिजल्ट कितना अच्छा है। इस पर भी किसी तरह का पेस्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जब भी आप प्लांट पर कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ करें तो उसे पानी से ना धोएं, 2-3 दिन तक उस पे पानी ना डालें। और तीसरा पेस्टिसाइड मैंने यूज़ किया था वाइट वेनेगर, और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहे। तो ये देखिए, इस पर भी लगभग कीड़े कम हो गए हैं। और जो भी हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं वो एक बार से ही उसको यूज़ करने से कीड़े नहीं जाते हैं, पेस्ट नहीं जाते हैं, उसे हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है। तो हर 3रे दिन आप फिर से शाम को उन पेस्टिसाइड्स का यूज़ कीजिए जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। चौथा है नीम ऑयल और हैंड वॉश, डिश वॉशर यूज़ किया था और उसके रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे रहे। ये देखिए, इक्का दुक्का कोई आपको इस पर पेस्ट नज़र आएगा, वैसे तो लगभग इस पर से भी चले गए हैं। तो आज शाम को यानी कि 3रे दिन की शाम को मैं फिर से इस पर पेस्टिसाइड यूज़ करूँगी और आप मॉर्निंग में इसको धो दीजिए। आप फिर से इसके ऊपर एक बार जो भी आपने पेस्टिसाइड यूज़ किया उसे अप्लाई कीजिए। मैंने इस पर राख यूज़ करी है वापस, आप इसका रिजल्ट आपके सामने है, कलियाँ बड़ी बड़ी हो गई हैं और ये देखिए प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है। और अभी भी कुछ पेस्ट इस पर रह गए हैं तो अच्छा यही है कि आप मेलाथिन नाम की दवाई का स्प्रे करें। बीज भंडार से आपको यह दवाई आसानी से मिल जाएगी और नहीं तो आप प्रॉब्लम बता के दवाई ले सकते हैं। आप देख रहे हैं इस पर अभी भी पेस्ट है और मैंने 1 लीटर पानी के अंदर आधा चम्मच मेलाथिन अच्छे से मिलाकर स्प्रे किया है। और अब इस पे जो वाइट फ्लाइज हैं वो भी चली जाएंगी और ये एफिड्स भी इस पे से चले जाएंगे। ये वाला प्लांट 5वां प्लांट है
जिसके अंदर बटन रोज लगते हैं, इसमें ब्लैक एफिड्स लगे हुए हैं और इसके ऊपर मैं मेलाथिन नाम की दवाई का स्प्रे करूंगी। और उसके बाद मेलाथिन की दवाई का स्प्रे करने के बाद अब अगले दिन से ही इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे। अब मेरे प्लांट पर एफिड नहीं लगे हुए और ना ही वाइट फ्लाइज लगी हैं। वाइट फ्लाइज को भगाने के लिए अच्छा है कि आप मेलाथिन जैसी दवाई का यूज़ करें। वैसे तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन रोग ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें केमिकल पेस्टिसाइड भी यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये देखिए, हर प्लांट के ऊपर कलियाँ और उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स, ये रहा रिज़ल्ट। बहुत अच्छी कलियाँ आ रही हैं और कलियाँ जल्द ही फूलों में बदल जाएंगी। इस पर मैंने मेलाथिन का स्प्रे किया था और अब इस पर भी कोई पेस्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा रिज़ल्ट प्लांट्स के ऊपर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो हैं आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार यूज़ करने पड़ेंगे और हमें वेट नहीं करना कि हमारे प्लांट्स पर कीड़े लगें। उससे पहले हमें हफ्ते में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे अपने सभी प्लांट्स पर करते रहना है। और मेलाथिन नाम की दवाई जो कि मैंने आपको बताई है, ज़रूरी नहीं है कि आप यही दवाई लें, आप बीज भंडार से पता करके कोई और दवाई भी ले सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर फूल खिल रहे हैं और सभी प्लांट्स पर बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। मैंने अपने 4 प्लांट्स पर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ किया और इस पर मैंने यूज़ किया था मेलाथिन। इस पर भी एक भी एफिड और वाइट फ्लाई नहीं है और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देख सकें, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। तो अगली वीडियो पर हम फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।